अच्छा, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम कर रहा हूँ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ओके ऑन दिस डिबेट. और सबसे पहले जो फर्स्ट कार्यक्रम जो पहला हिस्सा है वो ये है कि पार्टिसिपेंट्स आर सपोज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. अभी निहालिका जी जुड़ रही हैं. सबसे पहले 1 मिनट में अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे सभी लोग, क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ. हो सकता है बाकी लोग जैसे सौरभ जी हैं वो बाकी लोगों को नहीं जानते हों, तो 1 मिनट में अपना अपना इंट्रोडक्शन. 1 मिनट सौरभ जी आपसे. जी ओके जी, मेरा नाम सौरभ मंगला है और मैं समरफील्ड स्कूल में साइंस का टीचर हूँ। निहालिका जी उनको बता दे. गौरव जी. नमस्कार, मेरा नाम गौरव कांत है और मैं साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। फिलहाल आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ और सोशल वर्क में एक्टिव रहता हूँ। निहालिका जी अपना इंट्रोडक्शन. हाँ जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मैं आईसीडी आईसीडीएस में जॉब करती हूँ और मेरा एजुकेशन एमए है। अच्छा. और मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है. मैं भी समरफील्ड स्कूल में टीचर हूँ और जो मेरी रुचि है वो खासकर साइंस और अध्यात्म में है, और इसलिए मैं आध्यात्मिक विषयों पे मैंने ये चर्चा स्टार्ट की है लेटेस्ट डिबेट के नाम से. और योगिक साइंस के नाम से हम एक चैनल चलाते हैं जिसमें कि विभिन्न विषयों पर अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो साइंस के टॉपिक्स हों या स्पिरिचुअलिज्म के टॉपिक हों या फिर ऐसे टॉपिक हों जो कि दोनों को जोड़ते हों, साइंस को और स्पिरिचुअलिज्म को, ठीक है? तो उन टॉपिकों पे हम चर्चा करते रहते हैं. और मेरे साथ शर्मा जी हैं, शर्मा जी अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो मैं और शर्मा जी इन टॉपिक पे चर्चा करते रहते हैं. तो हमारा इंट्रोडक्शन ये, शर्मा जी. मेरा नाम बी आर शर्मा है और मैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों की शायद समझ में हो, हम उन्हें उन बातों को खुदेड़ते रहते हैं ताकि वो बातें ऊपर आ जाएं और आपका भला हो जाए. बस हम इसीलिए हम काम करते हैं, यही मेरा जीवन है. और शर्मा जी पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, ठीक है? और अब अपना सोशल वर्क और अध्यात्म के लिए लोगों को जगाना, जागृत करना, ठीक है, चैनल के माध्यम से या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपको, एक छोटा सा प्रोटोकॉल है, छोटा सा नियम है जो कि हम लोग सब फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट तो आपको पता है, कर्म विज्ञान या साइंस ऑफ एक्शन. लैंग्वेज आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं या फिर मिक्स करके बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है? तो लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज नहीं. तो ये तो फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल जो हम लोग डिस्कस करेंगे कर्म विज्ञान पे, साइंस ऑफ एक्शन पे, वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कर्म विज्ञान को लेके, वो क्वेश्चंस मैं पुट करूंगा और एक क्वेश्चन को हम अपने अपने एंगल से, अपने अपने व्यू पॉइंट से, चाहे वो व्यू पॉइंट किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का हो, चाहे वो वेदांत हो या स्पिरिचुअलिज्म हो, हिंदुइज्म हो, मोहम्मडनिज्म हो, किसी भी एंगल से, आप साइंस हो, किसी भी एंगल से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर हम रखें, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं इस डिबेट को. और ये डिबेट तो है ही एक तरीके का, एक डिस्कशन है, ठीक है ना? तो डिबेट में वो डिबेट, एक जो फाइटिंग स्पिरिट होता है डिबेट में, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? डिबेट में एक बहुत कंपैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिबेट करना है. ओके, कर्म विज्ञान में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कर्म विज्ञान के, और जहां तक अध्यात्म की बात है, स्पिरिचुअलिज्म की बात है, तो हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज से, चाहे वो संसार से हो या स्पिरिचुअलिज्म से हो, वो हमारा इंट्रोडक्शन, पहला जो इंट्रोडक्शन है वो कर्म से है. जैसे हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम कर्म करते हैं, चाहे श्वास लेने का कर्म करें या कुछ खाने पीने का कर्म करें या बोलने का कर्म करें,
और पूरे जीवन ये कर्म चलता रहता है। मगर भगवान ने गीता में ये कहा है कि कर्म की जो गति है वो काफी गहन है, ठीक है, और कर्म बहुत तरीके का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म का पूरा विज्ञान है, और इसी के तहत क्वेश्चंस है मेरे पास, मगर मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस लूंगा आज आज की इस डिबेट में। पहला क्वेश्चन है वो है कर्म क्या होता है और कर्म का ओरिजिन क्या है, कर्म का उद्भव कैसे होता है। हिंदी में बोल निहालिका जी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कर्म क्या है और कर्म का उद्गम ओरिजिन क्या है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, सौरभ जी, गौरव जी, फिर निहालिका जी, और फिर मैं और शर्मा जी। सौरभ जी, सर कर्म को लेकर के मुझे लगता है कि कर्म एक ऐसा विषय है या एक चालक है जो संसार चलाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये वहीं से शुरू होता है जहां से संसार की गति शुरू होती है, शायद कदम भी वहीं पर ही होगा जब संसार पे ये अंत पर पहुंचेगा। हर चीज, हर व्यक्ति, हर ही कर्मशील है, तो मेरा मानना है कि कर्म का ओरिजिन भी उत्पत्ति से ही बना हुआ है, जहां से इसकी उत्पत्ति है, और जीवन में जब इंसान का जन्म होता है जब इससे उसके कर्म शुरू हो जाते हैं, तो कर्म है कि जो एक चीज से दूसरी चीज में जुड़ा हुआ है वही कर्म है, जो किसी फल को दिखा। मिस, आपका कहना है कि कर्म वहां से स्टार्ट होता है जहां से जन्म होता है, और जब मृत्यु हो जाती है तो कर्म खत्म हो जाता है, उस व्यक्ति का कर्म खत्म हो जाता है, ठीक है। गौरव जी नमस्कार जी, सबसे पहले हम कर्म से थोड़ा और आगे बात कर लें जी। ये चीज समझनी होगी कि ब्रह्मांड में जो कुछ है, चाहे वो चर अचर जो कुछ भी है, जड़ चेतन, वो आपस में कनेक्ट है। साइंस भी इसको थोड़ा सा अलग रूप में मानती है, और वेव पार्टिकल ड्वेलिटी से भी इसको थोड़ा सा पुष्टि की जा सकती है। तो हमें समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो आपस में इंटरकनेक्ट है, चाहे वो जीव हो चाहे जड़ पदार्थ हो। हम जब भी कुछ कर्म होता है तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और वो वाइब्रेशन जो है, जो तरंग है, वो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको भी प्रभावित करते हैं, समझ लो जी। इवन जो भी टोटल वाइब्रेशंस हैं वो हमारे लिए भी प्रत्येक जीव को प्रभावित करते हैं, प्रत्येक जड़ पदार्थ को प्रभावित करते हैं। तो समझना होगा कि कर्म केवल यही काम नहीं हो गया कि हमने कुछ किया, इवन हमारा सोचना भी एक कर्म है, और स्पंदन जुड़ा हुआ है हर सोच के साथ। तो बहुत सी चीजें हमें यह समझना होगा, जैसे हमने कुछ बोला तो बोलने का एक क्रिया हुई, और हमारे जो शब्द निकले उनके साथ जो फ्रिक्वेंसी अटैच्ड है वो वातावरण में फैली, वो अनंत काल के लिए वो कर्म रूप में प्रोड्यूस हो चुकी है। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, बस साइंस कहती है ना कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसी तरीके से सारे कर्म जो है वो इस ब्रह्मांड में अनंत काल के लिए जीवित रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। इसीलिए कर्म सिद्धांत हमारे यहाँ पुनर्जन्म सिद्धांत से भी जुड़ चुका है, इसीलिए पुनर्जन्म सिद्धांत को बल मिलता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म है वो इस जन्म के प्रभावित करते हैं। तो डिस्कशन के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा कर्म का, मैं थोड़ा थोड़ा मोटे रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं। तो कर्म का मतलब है कि एक ऊर्जा जो अनंत काल के लिए स्थायी हो जाती है, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो सारा कर्म है। मतलब कि गौरव जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं जिंदगी भर जी, और हम ही नहीं कोई भी कर्म करता है इस संसार में जी, तो वो कर्म कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है ब्रह्मांड में जी, जी,
ब्रह्मांड जी कहीं ना कहीं वो संचित रहता है जी। संचित रहता। ठीक निहालिका जी। हाँ जी, बस हमें तो हर रोज एक ही बात समझ में आती है कि कर्म कैसे बनते हैं। बस हमें तो आपसे ही सीखना है, हम आपसे ही सुनना चाहते हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जो भी कहो बस हमें वो समझना है, आपका जो प्रश्न है वो ये है हमें कि और कुछ नहीं करना। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि कर्म कैसे बनते हैं। कर्म की उत्पत्ति क्या है? हाँ उत्पत्ति आपने लिखा ना कि कर्म की उत्पत्ति है। कर, हाँ कर्म कैसे उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे कर्म की उत्पत्ति कैसे होती ये शरीर मन जो मिला। हाँ कर्म की उत्पत्ति बस कैसे होती है? हमारा रोल बहुत क्या है बहुत आपका रोल क्या है? आपका प्रश्न है। और इसमें हमारा रोल क्या है। अच्छा तो इसमें आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं, हमारा रोल क्या है, बस कर्मिक कर्म कर्म कैसे बनता है, कैसे उत्पत्ति होती है, वो हमें जानना है, वो आपसे जानना है। ठीक है। हम लोग आप लोग जो प्रश्न हैं और आप लोगों ने जो भी बातें कही हैं ठीक है, तो वो मैं एक दो राउंड के बाद एक प्रश्न और लूंगा, उसके बाद नहीं, मैं एसी को पहले निकाल दो, पहले एसी को निकाल दो, बस मान कर्म एंड इट्स ओरिजिन। हाँ अभी प्रश्न नहीं दो, ठीक है उसको इसको खत्म करो पहले। ठीक अच्छा ठीक है शर्मा जी, फिर आपका आपके बोलना है, आप बोलो। मैं बोलता हूँ ठीक है। सबसे मैं पहले अच्छा एक और मेंबर जुड़ रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर लूं। ठीक उत्पत्ति के बारे में मैं बता देता हूँ, कर्म की उत्पत्ति के बारे में आप बताइएगा। मैं बता देता हाँ ठीक है, वो जुड़ रहे हैं मेंबर। ठीक है, अब शर्मा जी आपको बताएंगे कर्म क्या है और कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। शर्मा जी अभी कर्म विज्ञान के बारे में जैसे बात करी है, तो कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये क्यों हुई और कैसे हुई? अब आप थोड़ी देर के लिए अपने जो जो हमारे सामने हैं या जो मैं हूं, ये शरीर नहीं है, नहीं, अभी कर्म की उत्पत्ति हो रही है इसलिए ये शरीर नहीं है। तो जो शरीर नहीं है, जो जीव नहीं है, जो परमात्मा नहीं है और जो कुछ भी नहीं है, ही कुछ भी नहीं, तो अभी फिर क्या चीज है जिससे कि उत्पत्ति हो? किसकी उत्पत्ति हो? कर्म हो, शरीर हो, संसार हो, ब्रह्मांड हो, चेतन हो, ना चेतन हो, जड़ हो, चेतन हो, मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको यहां सेट किया कि आप नहीं हैं, हम नहीं हैं, जो बात से निवारण हो रहा है इसको ध्यान से सुनो कि कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब है कि जिसमें ब्रह्मांड दौड़ रहा है वो स्पेस अपने में निशब्द, बिना शब्द, कोई हलचल नहीं, किसी तरीके का कोई कुछ भी नहीं है, वो एक स्पेस रिक्त है। अगर है तो वो इतने टाइम से, अभी तक तो कभी उसकी कोई प्रमाण तो मिला नहीं कि वो है, इसलिए उस रिक्त ने पहले सबसे पहले अपने को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, थोड़ा हार्डनेस लाने के लिए उसने केंद्रित होना पड़ा। केंद्रित कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, किनारे में हो सकता है, सारी एनर्जी तो रिक्त की खींच करके आएगी और जैसे ही वो एनर्जी अपने में एक केंद्रित होएगी तो एक आकार बनेगा। उसे आप अगर कहें तो अध्यात्म रूप से उसे आप आत्मा कह सकते हो, जीव कह सकते हो, अनेक शब्दों में कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मुझे ये इसमें कुछ नहीं कहना है। जब वो चीज बनी तो वो बनने में उसमें दो चीज आई, एक चीज आई अंदर, एक चीज आई बाहर।
बाहर का माल अंदर, और अंदर की जो उसमें बीज है वो है बाहर का। तो इसका मतलब ये आया है कि वो चीज अंदर में हमने, जैसे ही अभी गौरव जी ने बोला कि विचार कर्म है, तो आप हम बैठे हैं अंदर में, अब हम बॉडी पे आ जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं, हम अंदर में क्या बोल रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किसको दुआएं दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई पता नहीं। बाहर कर्म इंद्रियों से जो काम कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हो, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा मुंह बोल रहा है, ये तो बाहर की कर्म इंद्रिय है। अंदर में मेरे क्या चल रहा है, किसके आपके प्रति, इसकी क्या है? तो दो चीजें उसमें आई हैं, एक अंदर से कर्म होता है जहां मन और विचार से कर्म होता है, पता नहीं चलता मगर कर्म होता है, मगर एक बाहर से कर्म आया जहां पर वो जो केंद्रित चीज हुई है वो अपनी इंद्रिय से कुछ करना चाहती है मगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती, इसलिए उसने अपने के दो भाग करे, जिन पर हम पहले से ही बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद ये सारा जगत ब्रह्मांड ये सारा रच गया है, ये कर्म फिर आप कुछ भी कहे। मैंने सिर्फ कर्म के उत्पत्ति के बारे में छोटा सा ये निवारण रखा है कि कर्म कब और कहां और कैसे उत्पन्न हुआ, अंदर का कर्म है एक बाहर का कर्म है, दो चीजें हैं अंदर बाहर की। ये जो दो चीजें अंदर बाहर की आई हैं ये उसमें भी हैं, जहां बाहर से परमात्मा घूम रहा है और जहां जीव है, परमात्मा की शक्ति जीव समझ, जीव अपनी शक्ति मान करके खूब तो आराम से जो मन में आया सो कर रहा है, तो इसमें परमात्मा तो कुछ कहता नहीं, कर ले भाई माल तो हमारा ही है, तू जैसे उड़ाता उड़ा ले, बाद में मैं निपट लूंगा तेरे से। वो चीज यहां पर भी चल रही, इस पे भी हम चर्चा नहीं कर रहे, हमने कर्म की उत्पत्ति बताई बस। ठीक है शर्मा जी, अंजलि मैम वीडियो ऑन करेंगे क्या? नमस्कार सर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। ओके वेलकम। नमस्कार जी। ओके ठीक है, अभी हमारे पास कर्म विज्ञान को लेके 4-5 क्वेश्चन थे, तो पहले क्वेश्चन का राउंड चल रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है जिस पे अभी शर्मा जी बात कर रहे थे, बाकी मेंबर्स ने भी अपने विचार रखे थे उस प्रश्न पे, जो प्रश्न है वो है कर्म पे, कर्म होता क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन उत्पत्ति कैसे है इसकी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सभी मौजूद लोगों को मेरा नमस्कार, बहुत गुड इवनिंग। नमस्कार जी। नमस्कार। वैसे तो आप सब काफी कुछ जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतना मैं आपके समझ को भी समझ पाऊं, इतना मेरे में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना हमने पढ़ाई करी और जाना है अभी तक या समझा है, कर्म एक्शन को कहा गया, जो भी आपने एक्शन लिया उसको कहा गया ये कर्म है। अब एक्शन तो आपका थॉट से ही हो सकता है, मेंटल एक्शन या फिजिकल एक्शन जो दिख रहा है। अब जैसे कि शर्मा जी ने कहा बिल्कुल सही तरीके से कि एक्शन तो मानसिक भी है, कर्म तो मानसिक भी है, आप मन में अंदर भीतर क्या चला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या गालियां बक रहे हैं, कर्म तो वो भी है। पर अगर आप बुक्स पे जाएं, वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करें, तो वो इसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो दिख रहा है एक्शन सिर्फ वही कर्म है। तो दोनों चीजें अगर आप देखें तो वेस्ट में तो लोग नहीं मानते, पर हमारे हिंदू धर्म में तो शुरू से ही कहा गया है कि मनसा वाचा और कर्मणा तीनों चीजें हैं जिनसे हमने कर्म कहे गए हैं, मेरा ऐसा कहना है। और बाकी हम नहीं कह सकते कि ओरिजिन की बात जब करें तो ओरिजिन में भी हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कैसे और तरह से ये चीजें डेवलप हुई हैं, पर हाँ ये जरूर है कि जो भी एक्शन हम लोग ले रहे हैं एक्शन को ही कर्म कहा गया। ठीक है अंजलि मैम। जो दूसरा प्रश्न है वो तरीके के कर्म
शास्त्रों में भी कहे गए हैं कि दो तरीके के कर्म होते हैं मोटे तौर पे। एक वो कर्म होते हैं जो हमें बांधते, बाइंडिंग कर्मास, और एक वो कर्म होते हैं जो हमें लिबरेट करते हैं, हमें फ्री करते हैं, हमें मोक्ष देते हैं। तो ये दो तरीके के कर्म हैं। तो ये जो बाइंडिंग कर्म है और लिबरेटिंग कर्म है, इसके विषय में ये दूसरा प्रश्न है, ये क्या होते हैं? सौरभ जी। सर, बाइंडिंग कर्म तो वही कर्म है जो इच्छाओं से जुड़े हुए हैं, जो निष्काम नहीं है, जो किसी इच्छा से बांध कर रखते हैं। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो ऐसे कर्म को मेरा मानना है कि वो बाइंडिंग कर्म के अंदर आते हैं। लेकिन जो निष्काम किए जाते हैं, जिनकी इच्छा, क्योंकि इच्छाएं ही व्यक्ति को बांधती है। मैं अपनी अगर अध्यात्म दृष्टि, जितनी मुझे जानकारी है, तो जो इच्छाओं से परिपूर्ण होकर के काम किए जाते हैं, क्योंकि इच्छा कभी मरती नहीं। तो इसलिए जब वो इच्छा कभी मरती नहीं है, तो जो इच्छाओं से संबंधित कार्य होते हैं, एक इच्छा की पूर्ति पर दूसरी इच्छा जन्म लेती है। तो जो इच्छाओं में बंधे हुए काम है, इनको कह सकते हैं कि ये बाइंडिंग कर्म्स होती है। आज मुझे किसी चीज की सफलता मिल गई, तो कल वो सफलता मुझे छोटी लगेगी दूसरी सफलता के आगे। तो ये इच्छाओं वाले कर्म, ये बाइंडिंग कर्म मेरा मानना है। और जो निष्काम कर्म है, जो हम करते चल रहे हैं, ये लिबरेटिंग कर्म है, ये हमको बांधती नहीं है। और फिर हम आगे अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, तो वो हमें लिबरेटिंग कर्म के अंदर में मानता हूँ, वो आता हूँ। जी गौरव जी। जी एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ, आप सुन पा रहे हैं? नहीं। निहालिका जी, आप बोलना चाहेंगे? जी नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, गौरव जी, गौरव जी मैं रिपीट कर देता हूँ। जी प्रश्न ये है कि दो तरीके के कर्म कहे गए हैं शास्त्रों में। हाँ हाँ एक कहा गया है बाइंडिंग कर्म और एक लिबरेटिंग कर्म, बंधन कर्म और जो मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं, वो कर्म। इनमें क्या डिफरेंस? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष को समझना होगा, कर्म तो है ही, जो भी हम कर रहे हैं वो सारा कुछ कर्म से ही कर्म है, चाहे वो हम सोच रहे हैं, चाहे वो बोल रहे हैं, चाहे हम फिजिकली कर रहे हैं, वो सब कुछ कर्म है। लेकिन कर्म को स्पेसिफाई करना कि कौन बांधता है और कौन मोक्ष दिलाता है, कौन सा कर्म। तो मोक्ष को समझना होगा कि मोक्ष है क्या। कुछ चीजें हैं कि हमारा आध्यात्मिक पक्ष कहता है कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना मोक्ष है। इसको थोड़ा सा अगर शाब्दिक रूप से और एक्सप्लेन करें, तो मोक्ष का मतलब है जब हमारी जो भी हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हमारी कुछ भी, हम सब कुछ कर रहे हो, कुछ भी पाने की इच्छा शेष ना रह जाए, वो हमारी एक मोक्ष की स्थिति आ जाती है। इसी लेकिन कर्म को लेके गीता में भी डिफाइन किया गया कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करो, लेकिन कर्म पर अधिकार ना हो, एज ए कर्ता रूप में कर्म ना करते हुए हमको, हम कर्म करते जाएं। जैसे हम श्वास लेते हैं, विदाउट एफर्ट हम श्वास लेते हैं, मतलब हम कोई भूल भी भूलते भी नहीं है जी, है ना। तो ये भी एक कर्म है, श्वास लेना एक कर्म है। तो कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। जैसे अभी सौरभ जी बोल रहे थे निष्काम कर्म, मतलब यह है कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं करनी कि हमें इस काम के लिए करना है, कोई भी कर्म करना है। एक्चुअली जो इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हमारी जुड़ी हुई है, वो हमारे कर्म को बद्ध करती है, हमारी आत्मा के साथ, हमारी जीवात्मा के साथ कर्म को बद्ध करती हैं इच्छाएं। तो ये सारे, ये मोक्ष से मोक्ष नहीं दिलवाएंगे। हाँ, कर्म की एक ऐसी स्थिति जहां पे हम निष्काम कर्म योग जिसको कहते हैं, उस स्थिति के बाद हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, अब तीन दिन थी।
मैडम। अंजलि मैम, अंजलि मैम, योर व्यू बाइंडिंग एंड लिबरेटिंग कर्म। अंजलि आ नहीं रही। हाँ जी सर, बाइंडिंग एंड लिबरेटिंग कर्म। यस। बाइंडिंग अगर आप साइकोलॉजिकली मुझसे पूछें, यदि जहाँ हमको एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, बाइंडिंग हो गया। द मोमेंट है ना, कुछ रिटर्न चाहिए और इंटेंशन भी नहीं, इंटेंशन के बिना ही हम काम कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, तो मुझे लगता है वो लिबरेटिंग। हाउएवर आप यदि साइकोलॉजिकली पूछे तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बात नहीं। ठीक है, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मगर आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि आप ये कह रही हैं कि जो कर्म करने में एक्सपेक्टेशन है, हमारी होप है, उम्मीद है, इच्छा है, तो बाइंडिंग कर्म है और हम कर्म कर रहे हैं। जी, इंटेंशन भी है, इंटेंशन, स्पेसिफिक इंटेंशन। जी बिल्कुल, तो वो तो बाइंडिंग ही है। जैसे ही हम विदाउट इंटेंशन एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन जाते हैं, तो मुझे लगता है वो लिबरेटिंग कर्मा हो जाएगा। और आप बात करें यदि साइकोलॉजी की, तो वहां कोई बात नहीं है इस बारे में, कहीं कोई मेंशन नहीं है। इंडियन साइकोलॉजी इसकी बात करती है, इंडियन फिलोसोफर्स इसकी बात करते हैं, वेस्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि जो भी कर्म के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो डीप साइकोलॉजी की बात है, साइकोलॉजी नहीं, डीप साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि जैसे गौरव जी ने बोला था पहले कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे मन से कर्म करें या बातों से करें या फिर एक्शन से करें, अपने कर्मेंद्रियों से करें, वो सारा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, कहीं ना कहीं रहता है, वो कहीं मिटता नहीं है। तो वो कहाँ रहता है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं जो नॉर्मल साइकोलॉजी है, मन है, बुद्धि है ना, जो जिसको कि हम कॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है, तो वहां पे तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे होता है। तो ये डीप साइकोलॉजी की बात है कि कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होता है। ये स्टोर कहाँ होता है वो आगे प्रकाश डालेंगे शर्मा जी भी और गौरव जी भी, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जो हमारे पास टाइम है इस मीटिंग का, इस टाइम में पूरा हो भी नहीं पाएगा कर्म पे चर्चा, हमें एक मीटिंग और रखनी पड़ेगी। फिलहाल मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड कर्मा। चेतना, चेतन या अटेंशन कह लीजिए, चेतन या चेतनता और कर्म में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? सौरभ जी, कॉन्शियसनेस का तो यही है कि जो चीज हम वॉलेंट्री होकर के कर रहे हैं चेतनता में, मुझे लगता है जो चेतन से वर्ड को लग रहा है यहाँ पर, कि जो कॉन्शियसनेस से हम कर रहे हैं जो कर्म है, शायद यही बोल सकते हैं, इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। तो अगर वो किसी इच्छा को लेकर के है, तो बेसिकली यही मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इच्छाएं हैं, जो इंटेंशन होती है वो हमें किसी कर्म के लिए प्रेरित करती है। तो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसमें एक जो वॉलेंट्री कर्म है वो एक तरह का यही है कि कर्म करने का रीजन वो हमारा ये इच्छा में ही आता है। तो यही रिलेशनशिप मैं करता हूँ कि ये एक चीज दूसरी चीज को प्रेरित कर रही है, फिर उस कर्म से जो भी एनर्जी, जो प्रभाव बनेगा, फिर वो हमें दूसरे कर्म के लिए प्रेरित करेगा। ये एक साइक्लिक फॉर्म में मैं इसको मानता हूँ, ये चल रही है। हो गया कि आप कर्म इंटेंशन के साथ कर रहे हो या विदाउट इंटेंशन कर रहे हो, आप तो कॉन्शियसनेस के साथ ही करेंगे, आप ये कह रहे हैं, मतलब कि उनको डिफरेंस नहीं है, चाहे वो कैसे भी कर्म हो, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, और कोई रिलेशन नहीं मानते आप? नहीं सर, मेरा मानना ये रिलेशनशिप। ठीक है, गौरव जी। जी जी जी, माफी चाहूंगा। हाँ, रिलेशन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड कर्म। कर्म एक्चुअली, कर्म तो हमारे, मैंने जैसे बताया कि हमारे 24 घंटे कर्म चलते रहता है, श्वसन क्रिया भी एक कर्म ही है, और वो चेतन रूप में हो रही है या अचेतन रूप में हो रही है, मतलब हम जागते हुए कर रहे हैं या सोते हुए कर रहे हैं, कर्म हमारा चल ही रहा है।
जी, तो कॉन्शियसनेस में यह है कि हम लोग जो भी इसको थोड़ा सा और लेवल पे जाना होगा, कॉन्शियसनेस को समझना होगा बिल्कुल, क्योंकि चेतन का तो हमारा दिमाग जो है ना, इसको कहेंगे कि चेतन रूप में ही रहता है। हमारा दिमाग हर समय एक्टिव रहता है, तो चेतनता तो हमेशा बनी हुई है। देखिए गौरव जी, अध्यात्म में दो चीजें कही गई हैं। एक तो कहा गया है कि जागृत अवस्था, जो हम अभी बात कर रहे हैं जागृत अवस्था में है, ठीक है, और एक कहा गया है कि कॉन्शियसनेस, चैतन्य। चैतन्य कुछ अलग वस्तु कही गई है नॉर्मल जागृति से। तो मैं उस चैतन्य के लिहाज से बात कर रहा हूं कि उस चैतन्य का हमारे कर्म से क्या संबंध है, संबंध है भी या नहीं है, या कैसे वो अफेक्ट करते हैं कर्म को, या कर्म उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल जी, कर्म चेतना को प्रभावित तो करते ही है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। जी, कर्म का इतना समझ लीजिए कि हमारा जो भोजन है, खाद्यान्न, वो हमारे चेतनता को प्रभावित करता है। अगर हम अपशिष्ट पदार्थ खाएंगे तो हमारे विचार भी दूषित हो जाएंगे, हमारी चेतना प्रभावित होती है उससे। तो कर्म चेतनता को प्रभावित करते हैं, ये तो निश्चित है। मतलब कि आपके हिसाब से विचार और चेतन एक ही चीज है? नहीं, नहीं। चेतन और विचार, चेतन एक पराकाष्ठ है, विचारों एक अलग लेवल है जी। चेतन शक्ति एक अलग लेवल है, चेतना एक अलग लेवल है। इवन उसको हम कैसे डिफाइन करें, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा। अपना एक्सपीरियंस बताइए। मतलब कैसे डिफाइन करें इसको, एक्सपीरियंस में ऐसे ले लें कि मैंने जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिया कि जब हम वर्जित चीजें खाते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्जित की गई, तो इसको इस तरीके से लें कि एक निगेटिव एनर्जी हमारी चेतना को प्रभावित कर देती है। ठीक, अच्छा, चेतना एक तरीके से सॉफ्टवेयर समझ लो, और ये सारे इनपुट्स हो गए एनर्जी के रूप में, विचार। अच्छा, विचार ये इनपुट हो गए, और चेतना एक सॉफ्टवेयर है कि हम उसमें लोड कर रहे हैं चीजें। तो हो क्या कि जब हम एक तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि हम घर से कुछ बहुत कुछ प्लान करके निकलते हैं, सब कुछ प्लान करके निकले और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, हम एक रास्ते पे पहुंचे और अचानक में हमारे माइंड में कोई निगेटिव एनर्जी हिट की और हमने कहा छोड़ो यार आज नहीं करेंगे, और हम बैक टू पवेलियन आ गए, और जबकि कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब जिसको कहते हैं कि दृष्टिगत रूप से कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने ना हमें टोका ना कुछ, वो कुछ भी नहीं, अचानक में एक नेगेटिव एनर्जी हिट की और हमारी चेतना को उसने प्रभावित किया और एक नया विचार क्रिएट हुआ कि यार आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ऐसा एक जनरली होता रहता है, हर किसी के साथ होता है। तो मेरा जो समझ कहती है कि चेतना जो एक सॉफ्टवेयर है और विचार जो एक इनपुट्स है उसके लिए वो चेंज करते हैं। अंजलि मैम, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड कर्मा। मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्शियसनेस और कर्मा लिंक तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि जो जिस स्तर पे हमारी कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रही है हमारे कर्म अकॉर्डिंग में आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको तो आप जानते ही हैं, आप लोगों को ये तो चीजें काफी अच्छे से पता हैं कि जिस चक्रा पे हमारी कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रही है जिस समय पे, हमारे कर्मा उसी पर डायरेक्टेड होते हैं, उसी पर्सपेक्टिव पे हम आगे पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव, लाइफ का आउटलुक वहीं पे मैटर करेगा। तो कॉन्शियसनेस डेफिनेटली रिलेटेड है और कर्म वैसे ही बनते चले जाएंगे जहां पर हमारी कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रही है। आपके कहने का मतलब है कि जहाँ पे हमारा ध्यान है, अटेंशन है, जहाँ पे वो हमारी कॉन्शियसनेस हो गई। ठीक,
और उसी के अनुसार हमारे कर्म होंगे। बिल्कुल होंगे, वही होंगे, और जिस लेवल पे, जिस स्तर पे कॉन्शियसनेस ऑपरेट करेगी, कर्म वैसे ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक चौथा प्रश्न लूंगा, वो अंजलि मैम से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है, इस बार रिवर्स जाऊंगा। जो चौथा प्रश्न है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड कर्मा, हाउ इज आर मेमोरी रिलेटेड टू कर्मा। अंजलि मैम, मेमोरी तो देखिए सारी पास्ट मेमोरीज, प्रेजेंट में जितना भी हो रहा है वो सब हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और आप जानते हैं भली बात ही कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर हाउस है, अनलिमिटेड मेमोरीज हैं, जितने भी पास्ट लाइव्स हैं हमें नहीं पता, बट ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस में एवरी इंसिडेंट, एवरी मेमोरी इज स्टोर्ड, टोटली स्टोर्ड, एंड जैसे ही आप उस इंसिडेंट को, उस प्लेस को, उस पर्सन को, उस सोल को रिविजिट करते हैं प्रेजेंट लाइफ में, वो ट्रिगर होते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनके साथ आप देखेंगे वैसा बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है या चंबे की बात नहीं है, बिकॉज इन द सबकॉन्शियस हमारा स्टोर हाउस ऑलरेडी था। इस पास्ट लाइफ, इस लाइफ में जब वो पर्सन एक डिफरेंट वेश में, बट जब सामने आते हैं तो सोल ऑटोमेटिकली रिकग्नाइजेस, इसी को हम मेमोरी कहते हैं। और आप देखेंगे कि उस पर्सन की इक्वेशन आपके साथ इतनी खराब कैसे बन जाती है जब औरों के साथ उसकी इक्वेशन इतनी अच्छी चल रही है। सो दीज आर रिलेशनशिप्स विच आर कैरिड फॉरवर्ड लाइव्स आफ्टर लाइव्स, जो चेंज नहीं होती एंड वो मेमोरी चल रही है। सो अकॉर्डिंगली आपका कार्मिक जो लिंक है, जो कार्मिक बैलेंस है, उसको आप इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए फिर आमने सामने आ गए हैं। एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि मेमोरी तो पूरी वही की वही है, मेमोरी नहीं खत्म होती, शरीर खत्म होता है, लाइफ नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है। वही कहते हैं ना, आत्मा तो अजर अमर है, वेशभूषा चेंज हो गई, जीवन दूसरा मिल गया, पर मेमोरी और कॉन्शियसनेस हर जीवन में चलती चली आ रही है, और वो पूरा स्टोर हाउस है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हम एक्सेस नहीं कर सकते, पर शायद कर सकते हैं जो लोग ध्यान की अवस्था में काफी आगे निकल चुके हैं, शायद वो कर भी सकते हैं, पर एक नॉर्मल इंसान इन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, यदि मैं आपको समराइज करूं तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, ये जो कर्म है सारे मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाते हैं, और ये मेमोरी आगे चल के हमें अफेक्ट करती है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसको भी अफेक्ट करती है, जो जिन लोगों से हम बात मिलते हैं और जिन लोगों के साथ हमारी इक्वेशन अच्छी होती है या खराब होती है, जो भी होती है, वो जो हमारे जो स्टोर्ड कर्मास हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, तो उसके अकॉर्डिंग होती है सारी चीजें, है ना। वो जो स्टोर्ड मेमोरी है वो कंट्रोल करती है हमारे बिहेवियर को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे इक्वेशंस को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बिल्कुल ठीक है, ये कह रही है। अच्छा, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन ये जिज्ञासा है, ये मेमोरी कहाँ पे स्थापित है? कर्म तो मेमोरी में हो गए, और मेमोरी कहाँ है? मेमोरी का कोई सेंटर नहीं है सर, ऐसा है कि मेमोरी आप कहें कि माइंड में है, सब कॉन्शियस माइंड में है, ऐसा नहीं है। तो बिना सेंटर मेमोरी चलेगा कहाँ? मेमोरी, मेमोरी हर सेल में है, एवरी सेल ऑफ आर एग्जिस्टेंस, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक मेमोरी है, उसको एक एक इवेंट का ज्ञात है, याद है, जो जो उस पर बीता है, इस जन्म में नहीं, पिछली पास्ट लाइव्स में भी, वो सारी मेमोरीज इंटैक्ट हैं, हर सेल के पास अपनी एक इंट्रा सेलुलर मेमोरी है। अब आप देखेंगे तो साइकोलॉजी और थेरेपी और हिप्नोथेरेपी में ऐसा मिला है, एविडेंस मिला है कि जिस शरीर के भाग में पिछले लाइफ में चोट लगी थी, इस लाइफ में उसी शरीर के पार्ट में वीकनेस है, उसी शरीर के पार्ट में कोई डिजीज उत्पन्न हुआ, सो वो सेल्स, उस एरिया के सेल्स इस लाइफ में भी वीक चलेंगे, और यदि आप उसको रिजॉल्व कर लें, उसकी मेमोरी को टैप कर लें, वहां रिजॉल्व कर दें, किसी तरह एनर्जी बैलेंस कर दें, तो वो ऑर्गन हील हो जाता है।
तो हर सेल में एक मेमोरी है, एक कलेक्टिव मेमोरी भी है और एक एक इंडिविजुअल सेल की भी अपनी अपनी मेमोरी चलती है। और कलेक्टिव मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? देखिए हमारे तो 5 शरीर हैं, आप भी जानते हैं, सभी मौजूद लोग जानते हैं, अलग अलग हैं। हमारा ये प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश है जो हम खा रहे हैं अन्न। अब ये मैं साइकोलॉजी की भाषा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा वो नहीं मानते, बट वी हैव डिफरेंट ये तो कोश इंडिविजुअल है, मैं कलेक्टिव की बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि कलेक्टिव मेमोरी, तो कलेक्टिव में तो सारे आ गए, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, कलेक्टिव में तो सारे आ गए। ये तो कलेक्टिव मेमोरी है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? आकाशिक रिकॉर्ड कहे जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ है एग्जैक्टली, मैंने तो देखे नहीं, पर ऐसा कहते हैं कि हर जगह इस ब्रह्मांड में मेमोरी है। हम ईथर में वो मेमोरी है, कॉस्मस में मेमोरी है, हमें नहीं पता किधर है एग्जैक्टली। गौरव जी ने बताई थी पहले, स्टार्टिंग में बताई थी गौरव जी ने कि ब्रह्मांड में हर जगह है। हाँ। और अध्यात्म की भाषा में उसको कहा जाता है, यदि मैं आपको याद दिलाऊं, चित्ताकाश। आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। सुना होगा आपने। हाँ, वो ये वाला आकाश नहीं है, वो चित्ताकाश है जी। हाँ। अच्छा गौरव जी, मेमोरी एंड कर्मा। जी जी, अंजलि ने बहुत कुछ बता दिया, और जो मैं पहले बोल चुका था कि कर्म कर्म क्या, मतलब मेमोरी को जो लेते हैं ना हम लोग, मेमोरी मेमोरी में क्या है, मतलब जो भी कर्म एक सूचना है, सूचना रूप में। जैसे अंजलि ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि हर सेल की अपनी एक मेमोरी है। सेम इसी तरीके से जो मैंने बोला कि जब भी जो भी प्रत्येक जीव, इवन प्रत्येक कण जो स्पंदन कर रहा है, उससे रिलेटेड जो एक एनर्जी है वो इस पूरे ब्रह्मांड में स्टोर है। प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक जीव एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अब बात आती है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में, और जो ब्रेन को लेकर जो बात होती है कि कॉन्सियस माइंड, अनकॉन्सियस माइंड, सबकॉन्सियस माइंड, और फिर जो मेमोरी स्टोरी है, जो जिस तरीके की बातें होती है, अनकॉन्सियस माइंड में एक स्टोरेज हब है वो, जहां पे सूचना एकत्रित हो रही है। लेकिन ऐसा मत समझे कि जैसे वो हार्ड डिस्क हो गई। वास्तविकता ये है कि जो अनकॉन्सियस माइंड है वो कनेक्ट है इस ब्रह्मांड के साथ। वो वहां से कितनी सूचना इकट्ठा कर रहा है और वो हमारे कॉन्सियस माइंड में डिस्प्ले हो रही है। असली बात यहां पे आती है, हम ध्यान और योग क्रिया द्वारा अपने अनकॉन्सियस माइंड को जब टोटली ब्रह्मांड से कनेक्ट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ या अन्य ऋषियों को, वो उन्होंने ध्यान और तप द्वारा अपने अपने अनकॉन्सियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया और कनेक्ट कर दिया पूरे ब्रह्मांड के साथ। जो भी सोर्सेज है सूचनाओं का, जिसको कहते हैं हम कुछ भी कहें, ज्ञान कहें, वो सार जब कनेक्ट हो जाता है तो हमें सारा कुछ, सारी सूचनाएं हमारे पास एकत्रित हो जाती है, उसको ज्ञान कहेंगे। जी। समझ रहे, ये चीज है उसमें, कनेक्ट है। मेमोरी तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, जैसे आप कह रहे थे कहां पे उसका सेंटर है, होल वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड। आप ध्यान करें कि कार्बन एक पार्टिकल ले लें, उसकी अपनी एक मेमोरी है, उसकी सूचना है ना, उसकी अपनी सूचनाएं हैं। तो वहां पे हमें कैसे इंटरकनेक्ट होना है, वो मेन चीज समझने की, हमारा ब्रेन कैसे उसको कनेक्ट हो पा रहा है। तो सूचनाओं का संग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में है, मेमोरी पूरा ब्रह्मांड है, और कर्म हमारे चल ही रहे। तो ये जो संग्रहित, ये जो सूचनाएं हैं मेमोरी के फॉर्म में, जो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, तो इसको आप ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान यही है जो बुद्ध को हुआ था। ज्ञान यही है, ज्ञान ही है। ज्ञान क्या है? सूचना जो भी कुछ है, इवन उसको स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में जी, अलग अलग पार्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान क्या है? सूचनाएं तो ही हैं, सूचनाओं का संकलन ही तो ज्ञान है, उसको हम अलग अलग शब्दावली में डिफाइन कर सकते हैं। मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिक ज्ञान भी क्या है?
वो भी आध्यात्मिक ज्ञान जी, ये सूचनाएं हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान भी तो सूचनाएं रूप में ही तो मिलता है हमें। हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा माफी जाऊंगा, आया आगे। ठीक है, मैं किन्हीं और के पास जाता हूँ, ठीक है, फिर कौरव जी का वेट कर लेते हैं। सौरभ जी कुछ आप कहेंगे मेमोरी एंड कर? बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं अंजलि मैम ने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और सर भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर मेरा मानना है मेमोरी और कर्मा में कि जो कर्मा हम कर रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, तो जो हमारे एक 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 वृत्ति बन जाती है, व्यक्ति का एक व्यवहार बन जाता है जी। तो वही जिस मेमोरी में स्टोर है किसी चीज को लेकर के, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं, किसी का मन का चिड़चिड़ा होना, नॉर्मल होना, मतलब मुझे लगता है कि किसी इंसान की वृत्ति कर्म से बन जाती है जो कि उसकी स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में और वो उसको आगे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो इनमें एक इस तरह का रिलेशनशिप में देखा जी। अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद शर्मा जी सभी चीजों पे एक निचोड़ के रूप में प्रकाश डालेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कर्मयोग। कर्मयोग तो हम सब लोगों ने सुना है, कर्मयोग क्या है जिसको कि अकर्म कर्म भी बोला जाता है। कर्मयोग, सौरभ जी आपसे। सर कर्मयोग जैसा पहले बात हो रही थी बाइंडिंग और लिबरेटिंग कर्म्स की, कर्मयोग का एक कर्म रोग दोबारा ढूंढना पड़ेगा सबको। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, एक सेकंड, अपने आप ही आएगा।